हाँ वो करेंगे। हाँ दे दिया वो, नहीं नहीं वो चली गई, वो हमारी तरफ से चली गई है, डिपार्टमेंटों के अंदर भी पहुंच गई, उन्हें लागू करनी है और वो लागू हो जाएगी। हमने बोल दिया भी उनको लागू कर दो। हमारी 120,000 एच के आर एन के या पार्ट वन पार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट के, उसके अंदर जितने भी हमारे युवा साथी थे, कर्मचारी थे, हमने उनको सुरक्षित कर दिया है। और ये पत्थर के ऊपर लकीर है, ये हमारी सरकार की, ये कांग्रेस की सरकार की तरह नहीं है कि एक पर्ची के ऊपर स्क्रिप्ट लिख दी और कह दिया हमने पक्के कर दिए। आज तक वो धक्के खा रहे कोर्ट के अंदर, आज तक धक्के खा रहे हैं। हमारी जो 120,000 हमने सुरक्षित किए हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत कोई समस्या नहीं है, वो पक्के हो। नहीं नहीं वो पहले वो होता होगा, वो तो डिपार्टमेंट का मसला है, वो तो डिपार्टमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। सरकार ने कर दिया, हमने कर दिया, लागू करना है तो हमने कह दिया लागू करना है उन्होंने, वो अपने उस तरीके से करते हैं लागू, अब वो कर दिया। मैं हमारी तरफ से हो गया, वो अभी से हो रहा है, किसी तरह की समस्या नहीं है, हमारी तरफ से सारा काम हो गया। मन ने ये बात कही थी पिछली कॉन्फ्रेंस में, शायद आपको ध्यान होगी, मैंने ये कहा था भी अगर उनको लग रहा है कुछ नहीं हुआ तो वो बीपीएल कार्ड बनवा ले, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भी मिल गया है, देख ले वो, मैं कोई वो नहीं कर रहा, शायद उनको ना पता लगे, पता चल जाएगा भी लागू हो रहा नहीं हो रहा, खाली झूठ बोलते हैं वो, हर चीज़ लागू हो गई है। हमने कहा है कि मेरी कैबिनेट की कितनी बैठकें हुई है, हमारी सरकार ने मिशन मोड में काम किया, नॉन स्टॉप काम किया, और इनके समय के अंदर तो क्या हालात थी आपको पता है। नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी, वो हमने देख लिया, लॉ भी हमने पढ़ लिया। क्या कंफ्यूजन, अभी मैंने क्लियर तो किया है। अरे सर 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 अभी पूरा तो डिटेल में बोला है, मैंने बोला नहीं डिटेल में, तो डिटेल में बोल दिया सर, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। देखिए मैं करनाल से विधायक हूँ, मेरा करनाल में ये बोलना कल बनता था, परंतु ये निर्णय मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा कि मैंने कहाँ से चुनाव लड़ना है, नहीं भी लड़ना है, दोनों वो तय करता है। और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के कारण से कोई भी हरियाणा का व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा, कोई व्यक्ति चाहे कितना बड़ा नेता है, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं करनाल से लड़ूंगा, मैं विधायक हूँ वहाँ का, नहीं दावा कर सकता। और दावा तो तभी होगा जब वहाँ पर लिस्ट जारी होगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड लिस्ट जारी कर देगा, फिर दावा। इतना बड़ा साफ दे दिया मैंने, बता दिया मैंने, उनको नहीं बताया एक एक बात। सर, आप मैं चुनौती नहीं मान रहा उसको, देखिए हमारा विपक्षी दल है, परंतु स्थिति कांग्रेस की होगी, झूठ बोल बोल करके आज उसकी टिकट लेने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा, सच्ची बात है, कोई आगे नहीं आ रहा। परिवार में से चार ऐसी बात, आपकी भी तो जिम्मेवारी है, थोड़ा स्क्रीनिंग करके उनको छापने का दिखाने का काम करें। कहते बापू का भी नाम है रहा, बेटे का भी नाम है रहा, नू का भी नाम है रहा, ना हमारा कोई नहीं है, कांग्रेस से क्यों सोचेंगे, उसका क्या मतलब है, कांग्रेस को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे और पकड़ पकड़ कर लेने पड़ रहे हैं। नहीं नहीं हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड मंथन करता है, सारी चर्चा विचार करता, हम गए हैं, एक एक नाम के ऊपर चर्चा हुई है, हमारे जितने लोगों ने अप्लाई किया है हर नाम के ऊपर पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा हुई है, ये बात मैं कह सकता हूँ।
कि हमने चर्चा की, हमने केंद्रीय नेतृत्व को बताया है, उन्होंने पूछा है कि इस नाम का क्या है, इस नाम का, एक एक के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा पूछा है। अब उनके पास पूरा फीडबैक रहता है। अब अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, वो निर्णय जो देंगे वो सर्वमान्य है।